प्रखर अकेडमी प्रजेंट्स करंट अफेयर शुरुआत करते हैं उससे पहले मैं अपोलॉजीज आपसे माफी कि मैं रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ वीडियो क्योंकि स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रह पा रहा है और काफ़ी वीकनेस है बट स्टिल ये एक रिवीजन के रूप में आपका काम करेगा इसको आप देखिए पहला प्रश्न है जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है और अभी हाल ही में 2021 के जो पुरस्कार की घोषणा हुई है उसमें कितने लोगों को यह देने की घोषणा की गई है तो प्रश्न बहुत क्लियर है तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में डॉक्टर शांति स्वरूप भट्टनागर पुरस्कार दिया जाता है मैं बता दूं आपको ये जो पुरस्कार है ये शांति स्वरूप भटनागर जी के प्रयासों से सी एस आई आर की स्थापना हुई थी और वही काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और वही इस पुरस्कार को देता है देता किस में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सी एस आई आर के अस्सीवें स्थापना दिवस के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है सी एस आई आर पैंतालीस साल से कम उम्र के जो वैज्ञानिक हैं यानी युवा वैज्ञानिक हैं उन्हें इन कैटेगरीज में जो बताई जा रही हैं जीव विज्ञान में रसायन में गणित भौतिकी चिकित्सा इंजीनियरिंग पृथ्वी वायुमंडल महासागर ये पुराई की कैटेगरी है और गृह विज्ञान में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है इस पुरस्कार की जो नगद राशि है जो इनाम मिलता है इसमें वो कितना मिलता है पांच लाख रुपए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में किसे किसे ये मिला है तो जीव विज्ञान की श्रेणी में डॉक्टर अमित सिंह सूक्ष्म जीव विज्ञान और कोशिका जीव विज्ञान विभाग कहाँ से हैं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला जैविक विज्ञान और बायो इंजीनियरिंग विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से हैं अगर हम बात करें रसायन की तो रसायन की श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के दो शोधकर्ता हैं इंटरनेशनल सेंटर ऑफ मटेरियल से हैं डॉक्टर कनिष्क विश्वास और दूसरी तरफ बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेबोरेटरी के डॉक्टर टी गोविंद राजू हैं जिन्होंने इसको प्राप्त करने की प्राप्तकर्ता के रूप में जिनकी घोषणा की गई है अगला कैटेगरी आती है पृथ्वी वायुमंडल महासागर और गृह विज्ञान की श्रेणी तो इसमें कोल एंड एनर्जी रिसर्च ग्रुप सी एस आई आर नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट से डॉक्टर बिनॉय कुमार सैकिया इसमें प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किए गए हैं अगला आता है भौतिक विज्ञान श्रेणी यानी फिजिक्स तो पुणे के जो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है उसमें डॉक्टर कनक साहा को नामित किया गया है अगला आता है इंजीनियरिंग विज्ञान श्रेणी तो इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय ने इंजीनियरिंग विज्ञान श्रेणी के तहत इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया गणित विज्ञान श्रेणी की बात हम करें अगर तो डॉक्टर अनिश घोष कहाँ से हैं डी टी एफ आर है आपका गणित स्कूल टाटा मूलभूत संस्थान अनुसंधान संस्थान मुंबई डॉक्टर साकेत सौरभ द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथेमेटिकल साइंसेज चेन्नई के विजेताओं की घोषणा इसमें की गई है और चिकित्सा विज्ञान की हम बात करें तो इसमें डॉक्टर जीमन पन्नी मक्कल पन्नीम मक्कल अचुथा मैनन सेंटर फॉर हेल्थ साइंस स्टडीज श्री चित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉरी फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम है डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव जो बायो साइंसेज ऑफ बायो इंजीनियरिंग विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन आप इसको अगर एक बार रिवाइज कर जाए तो बहुत कम समय में आपको काफी चीजें पता लग जाएंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जी यानी कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसे जो टैक्स रेट होते हैं उनके रैशनलाइजेशन के लिए रैशनलाइजेशन का प्रस्ताव रखने के लिए और जो अलग अलग टैक्सेस होते हैं जैसे हम बात करते हैं जीएसटी की तो जीएसटी में अलग अलग अलगेंट हो गया, हो गया तो जो भी अलग -अलग दो महीने में इसको मर्ज करने के लिए बनाया गया है जियो तो आपको ये बताना है कि उसको हेड कौन कर रहे हैं तो उसे कर रहे हैं अगला प्रश्न आता है वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया गया तो ये मनाया गया है 27 सितंबर यानी कल के दिन सेना की जो वेस्टर्न कमांड है उसके नए कमांडर कौन नियुक्त हुए हैं तो वो हैं के खंडूरी अभी हाल ही में किसी देश ने क्रिप्टो करेंसी के सभी प्रकार के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया तो ये कौन है ये देश है हमारा पड़ोसी मुल्क यानी चाइना भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री देश बन जाएगा देखिए मैं आपको बता दूं पहले ट्रांस फैट के बारे में देखिए हमने देखा होगा कि जब हम कोई तली हुई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमने देखा है ये शिकायत रहती है कि भाई जब बाहर से हम कोई तला हुआ सामान लेते हैं तो वो लोग एक ही तेल में बार बार उसको बनाते रहते हैं तो उसी से क्या होता है ट्रांसफैक्ट डेवलप होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है तो यहाँ उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट का कि औद्योगिक ट्रांसफेट फ्री देश बनाना तो इसके लिए जो एफ है यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उसने कहा कि भारत 2022 तक औद्योगिक ट्रांसफेट फ्री देश बन जाएगा ठीक है सी बी एस ई किस आई आई टी के साथ मिलकर एक ऑनलाइन श्रृंखला जिसका नाम एकलव्य है वो शुरू करने जा रही है एकलव्य की कहानी अपने पढ़ी होगी द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा को गुरु बना करके उन्होंने प्रयास किया और वही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं सुलभ होते हैं तो उनके लिए ये कोशिश है सी बी एस के साथ मिलकर बना रही है कौन सी आई है आई गांधीनगर किस लेखक ने अपनी एक बुक है जिसका नाम है फोर डेज का ट्रेलर अभी जारी किया है मतलब बुक का नाम तो फोर डेज है और उसका ट्रेलर जारी किया गया तो किसके द्वारा चेतन भगत फेमस राइटर हैं और अगला प्रश्न आता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है ठीक अगला प्रश्न भारतीय सेना 1971 की जो इंडो पाक वॉर थी जिसमें हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था तो उस जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देखिए 1971 में हमने आजाद कराया 50 साल जोड़ लीजिए दो हजार इक्कीस हो जाता है तो उसके लिए विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है कहां आयोजित कर रहे हैं सॉरी भारतीय सेना की दौर तो यह कोलकाता में ठीक है अगला प्रश्न है शांति जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में योगदान के लिए अच्छा ये दो बार हो गया सॉरी फॉर अगला प्रश्न आता है किस राज्य की जो सोजत मेहंदी है उसे हाल ही में जीआई टैग मिला है तो ये कौन सा कौन सा प्रदेश है ये है राजस्थान अगला है आई यानी जो शूटिंग फेडरेशन है इंटरनेशनल जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर शुरू की गई ये शुरू हुई है तो ये लीमा लीमा जो पेरू की राजधानी है अगला प्रश्न आता है 25 सितंबर 2021 को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया तो ये किया गया है नई दिल्ली में और आपको पता हुआ सहकारिता मंत्रालय बनाया गया जिसके हेड कौन कर रहे हैं डॉक्टर वो अमित शाह कौन कर रहे हैं अमित शाह जो गृह मंत्री हैं हमारे इसका उद्देश्य क्या है सहकार से समृद्धि अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान सत्र के अध्यक्ष के तौर पर किसने पदभार संभाला है जब घोषणा हुई थी तब भी आपको बताया था और अब दोबारा से ये आपके सामने है कौन है अब्दुल्ला शाहिद कहाँ से हैं मालदीव से मालदीव के लिए बहुत सम्मान की बात है और एक बहुत छोटा मुल्क है लेकिन ये बहुत बड़ा कार्यभार बहुत बड़ा पदभार उन्होंने संभाला है भारत में भारत इसमें सहयोगी रहा है उन्होंने पहले भी वकालत की थी कि अब्दुल्ला शाहिद मतलब वहां से बनाया जाए ठीक है अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय कैडेट कोर जानते होंगे आप एनसीसी एनसीसी एक सबसे बड़ी संस्था है युवाओं का एक सबसे बड़ा संगठन है जो यूनिफॉर्म धारण करते हैं उसके चौंतीसवें महानिदेशक के रूप में किन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है तो ये हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह अगला प्रश्न आता है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया गया छब्बीस सितंबर को ठीक है तो और इसी के साथ साथ दो दिन और मनाए गए सी एस आई आर का अस्सीवा फाउंडेशन डे जैसे मैंने ऊपर बता ही दिया है आपको और साथ में इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन यानी निरस्त्रीकरण किनका न्यूक्लियर वेपन्स का ठीक है उसको एलिमिनेट करने के लिए अगला प्रश्न आता है पीटीआई के चेयरमैन चुने गए पीटीआई एक बड़ी संस्था है जो न्यूज़ आप पढ़ते हैं तो उसके लिए एक रिलायबल सोर्स प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो बने हैं वो कौन बने हैं अवीक सरकार साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए अंग्रेजी भाषा में किसे पुरस्कार प्रदान किया गया तो फेलोशिप जो साहित्य अकादमी फेलोशिप है उसमें जो इंग्लिश कैटेगरी है उसके लिए रस्किन बॉन्ड को मिला है अगला प्रश्न था किस यूनिवर्सिटी ने मानव निर्मित सबसे छोटी उड़ान संरचना देखिए कहने का मतलब ये उड़ती तो बहुत सारी चीजें हैं जैसे पक्षी उड़ते हैं लेकिन वो मानव निर्मित नहीं है तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई यानी कृत्रिम चीज जो सबसे छोटी है तो वो कैसी है वो माइक्रोचिप के जैसी है उसे बनाया गया और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उड़ा सकते हैं नीचे ला सकते हैं बिल्कुल ड्रॉन की तरह तो ये बनाने वाली जो यूनिवर्सिटी है वो है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कहाँ की है ये यूएसए से है अगला प्रश्न आता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आपका 25 सितंबर को बहुत इम्पॉर्टेंट डे है आप जानते हैं फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल है आ, आ, किसी भी देश के लिए और पूरे विश्व के लिए बल्कि तो इसकी थीम क्या रही है ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ ठीक है अगला प्रश्न आता है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सी -E पर पहले दौर की वार्ता को संपन्न किया है हाल ही में तो ये है यूएई यानी संयुक्त तो अरब अमीरात अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्न है देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है तो देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दिल्ली मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अगला प्रश्न आता है एशिया मनी के द्वारा हाल ही में एक सर्वे किया गया और उसमें जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुनी गई है तो वो कौन सी है वो है एक ट्रस्टेड बैंक HDFC Bank we understand your world better अगला प्रश्न है एक चक्रवाती तूफान था जिसका नाम था गुलाब प्रश्न ये है कि उसने किन राज्यों के समुद्र तटों को प्रभावित किया तो इसका उत्तर हो जाता है आंध्र प्रदेश ओडिशा क्योंकि ये बांग्लादेश सॉरी बंगाल की खाड़ी में आया तो ये चक्रवात से प्रभावित होने वाले वही जो रीजन है नेक्स्ट आता है इसके बाद हिमालयन फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल 2021 का जो फर्स्ट एडिशन है वो कहाँ आयोजित होगा तो वो होना है लद्दाख में अगला प्रश्न है टी ट्वेंटी क्रिकेट में दस हजार रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं देखिए भारत के पहले हैं लेकिन विश्व स्तर पर कौन से हैं पाँचवें नंबर के ठीक है फर्स्ट नंबर पर वैश्विक स्तर पर आते हैं क्रिस गेल कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे नहीं पता होगा इसके बारे में फिर भी बताना मेरी ड्यूटी है तो भारत के जो विराट कोहली हैं वो भारत के तो पहले हैं लेकिन विश्व के पांचवें ऐसे खिलाड़ी बन गए अगला प्रश्न आता है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने डिस्कवरी 2020 में मतलब जो लगातार आप देख रहे हैं वनस्पतियों का आ, डिस्कवरी हो रही है तो उसमें जो नई वानस्पतिक प्रजातियां जोड़ी गई हैं इस टाइम में इस ड्यूरेशन में वो कितनी है 267 न्यू स्पीशीज ठीक है अगला प्रश्न है बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी तो ये की जा रही है कुल्लू में कुल्लू कहाँ पड़ता है ये आपका हिमाचल का पार्ट है अगला है डिजिटल नशा मुक्ति देखिए मैं बताऊँ आजकल ये आम बात है होता क्या है कि बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन गेम्स के ऐसे आदि हो गए हैं एक तरह से एक, एक नशा उनको है वो आ, मतलब गार्जियंस के साथ मारपीट तक के आ, ऐसे मामले सामने आए हैं और इसमें है क्या कि बच्चों को मतलब एक तरह से गुमराह कर दिया गया वो पूरी तरह से एक वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं ठीक है तो ये एक नशा है और इसी से मुक्ति देने के उद्देश्य से एक केंद्र खोलने की बात की गई किसके द्वारा केरला गवर्नमेंट के द्वारा और वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है मिस्टर विजयन अगला प्रश्न है विश्व नदी दिवस कब मनाया गया तो ये मनाया गया है 26 सितंबर को देखिए मैं बता दूं आपको ये जो है वो सितंबर के लास्ट संडे को मनाया जाता है और इस बार जो सितंबर में लास्ट संडे रहा है वो छब्बीस तारीख को था इसलिए ये छब्बीस सितंबर को मनाया गया अगला प्रश्न आता है रशियन ग्रैंड प्रिक्स की जीत के साथ हंड्रेड फॉर्मूला वन रेस जीतने वाले ड्राइवर बन गए हैं कौन से ड्राइवर हैं जिन्होंने हंड्रेड एफ वन रेस जीती हैं तो ये है आपके लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं यूके के हैं कौन सी गाड़ी चलाते हैं मतलब किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं मर्सिडीज अगला प्रश्न आता है फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉफी में स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है और यह है किस देश की यूनिवर्सिटी है तो ये कहाँ से है इटली से इटली का ही एक शहर है ये जहाँ पर है इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में विष्णु शिवराज पांडियन ने कौन सा पदक जीता है तो ये जीता है कांस्य से टेन मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में अगला प्रश्न है द बैटल ऑफ रेजांगला ये एक बुक है जिसमें 120 भारतीय सैनिकों ने 5000 चीनी सैनिकों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और ये बात कब की है 1962 की 1962 का जो बैटल था तो उसमें ये हुआ और इस बुक को लिखने वाली ऑथर कौन है कुलप्रीत यादव अगला प्रश्न है कौन सा देश है जो थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण करेगा तो ये देश है चाइना अगला प्रश्न दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं योगेश सिंह केसरी और पीताम्बर पीताम्बर जो है ये किस चीज की किस्में हैं तो ये किस्म जो है या टाइप्स किसकी हैं ये हल्दी की टाइप्स है अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना किस देश की रॉयल नेवी के साथ हाल ही में समझौता किया तो ये है ओमान ठीक है? किस राज्य की चाय की चाय गांव में चाय पार्क की स्थापना की जा रही है तो ये असम राज्य में हो रहा है आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य से हुआ तो ये हुआ है ओडिशा आप प्लीज मुझे वो तट बताएं वो प्लेस बताएं वो द्वीप बताएं जहां से इसका संचालन हुआ जहां से इसको हमने छोड़ा है अगला है समर्पण पोर्टल की कि शुरुआत किस राज्य ने की तो ये किया गया हरियाणा के द्वारा और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं थे उनकी एक सौ जयंती पर हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा समर्पण मोड पोर्टल की शुरुआत की गई किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर पूर्णतः रोक लगा दी है ये अफग़ानिस्तान अफगानिस्तान में आपको पता है तालिबान ने उसको जो है कंट्रोल कर लिया है और वो ये सब पसंद नहीं करते हैं किसी भी प्रकार का मनोरंजन दैट्स वाई उन्होंने उसको प्रतिबंधित कर दिया है अगला प्रश्न आता है किस देश ने हाल ही में नाटो के साथ नाटो तो पता ही होगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन तो उसके साथ एक सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया तो ये देश है यूक्रेन ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख बने हैं देवव्रत मुखर्जी विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया 22 सितंबर को भारत का सबसे बड़ा पामेटम पामिटम मतलब पाम वृक्षों का बगीचा किस राज्य में बना है तो यह है उत्तराखंड कैमरे वेजा ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में, में विस्फोट हुआ वो कहाँ स्थित है स्पेन में कॉन्टेक्ट लेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बी ने किस बैंक के साथ समझौता किया है तो ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सार्क देशों के विदेश मंत्री स्तर की वह बैठक जो हाल ही में रद्द हो गई है उसे कहाँ आयोजित होना था तो ये होना था न्यूयॉर्क में अगला प्रश्न है सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर के संचालन की व्यवस्था को प्रारंभ किया है तो ये किया गया है लद्दाख जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाला पहला स्टेशन आ, स्टेशन तो आप समझते होंगे तो कहाँ पर है तो ये है आपका चेन्नई सेंट्रल एसडीजी एस डी जी प्रोग्रेस अवार्ड तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड से किस देश के प्रधानमंत्री को हाल ही में सम्मानित किया गया तो ये किया गया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को किन किन चीज़ों के में योगदान के लिए गरीबी के क्षेत्र में रक्षा और शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यूएन यानी यूएनओ के द्वारा एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित जुड़वा बहनें किस देश की हैं तो ये है जिपैन द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास शेडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस बुक के लेखक कौन हैं तो ये लेखिका हैं निरुपमा राव एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया दस प्रतिशत तीस सितंबर 2021 को वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार कौन ग्रहण कर रहे हैं वी आर चौधरी यानी विवेक राम चौधरी और हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई उत्तर प्रदेश राज्य सरकार योगेश्वर सांगवान किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं प्राग्वे में आप मुझे बताइएगा प्राग्वे कौन से कॉन्टिनेंट में है पाकिस्तान की पहली हिंदू सिविल सर्वेंट बन गई हैं सना पाकिस्तान की यू you नो know, हिंदू सिविल सर्वेंट कौन है सना रामचंद्र गुलवानी डब्ल्यू ने यूनाइटेड किंगडम के किस पूर्व प्रधानमंत्री को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए डब्ल्यूएचओ राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की तो ये हैं गॉर्डन ब्राउन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए हैं राजीव बंसल ये पिछहत्तर के आसपास सेवेंटी फाइव के आसपास क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर में आ सकते हैं आप जरूर इसको एक बार देखें हाल ही में किन दो देशों ने मिलकर हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है तो ये भारत और अमेरिका के द्वारा किया गया 21 सितंबर 2021 को भारत के किन दो समुद्र तटों को ब्लू फैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया देखिए ब्लू फैग फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाता है किस लिए ये किया जाता है कि भाई ये साफ स्वच्छ हैं और और इसको सम्मानित किया गया है कोवलम कोवलम जो तमिलनाडु में पड़ता है और इडेन इडेन पड़ता है आपका पुदुचेरी में ठीक है अगला प्रश्न है नॉर्वे ओपन शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है तो ये जीतने वाले हैं डी गुकेश किसने आंध्र विश्वविद्यालय में एक अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किया तो ये जगन मोहन रेड्डी ने किया कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा राज्य विकिरण सुविधा प्रदान करेगा तो ये है आपका आंध्र प्रदेश राज्य सरकार हाल ही में सुशीला जिनका निधन हो गया है वे कौन थी या किस क्षेत्र से संबंधित थी तो वो एक फ्रीडम फाइटर थी 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया अकरा को अकरा जो है ये घाना की राजधानी है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को किस राज्य सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया या किया जाएगा तो ये है आपका असम राज्य के द्वारा कौन सा राज्य स्थापित सौर ऊर्जा कैपेसिटी के मामले में शीर्ष पर आदि के पहले नंबर पर जो आता है शीर्ष पर का मतलब पहले नंबर पर तो ये है राजस्थान सेकंड पर स्टैंड कर रहा है कर्नाटका और थर्ड है आपका गुजरात किस देश ने बारह देशों से अपने राजदूतों को वापस बुलाया हाल ही में तो ये नेपाल के द्वारा दो हज़ार इक्कीस में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो अनिरुद्ध तिवारी किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं पंजाब के हाल ही में किस देश की फेरोज फैजा बीथर को दो हजार इक्कीस का चेंज मेकर अवार्ड प्रदान किया गया तो ये बांग्लादेश ओके हैव ए गुड नाइट टू तो ऑल ऑफ यू